बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने टॉपिक शुरू किया था पीरियडिक ट्रेंड्स। तो पीरियडिक ट्रेंड्स के फर्दर तो कुछ पॉइंट्स थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। आज हम उसको फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जो कि एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एटम में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो रहा है, मींस कि जब एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो बनता है जी नेगेटिव आयन। जब हम किसी एटम को नेगेटिव आयन बनाने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उस केस में जो एनर्जी बनती है वो या तो रिलीज हो जाएगी, ठीक है ना, या तो वो रिलीज हो जाएगी या फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब यही एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या फिर रिलीज एनर्जी हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इस तरह से हम बात करते हैं जी फ्लोरीन की, ठीक है। वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, हैलोजन फैमिली में आता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास फिर बनता है जी एक नेगेटिव आयन, ठीक है ना। फ्लोरीन का नेगेटिव आयन बन गया था क्योंकि अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है। अब इसके लिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो लगी है जी -337 किलो जाउल पर मोल। अब इधर आपको माइनस का साइन नजर आ रहा होगा, ये माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी हुई है इस पूरे प्रोसेस में वो क्या हुई है, रिलीज हुई। जो भी एनर्जी पैदा हुई है वो क्या हुई है, बाय की तरफ रिलीज हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हम कहते हैं कि ज्यादातर जब भी हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, कोई भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ज्यादातर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसी तरह हम एक दूसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, एटम की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जी ऑक्सीजन है, ठीक है, हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और हमारे पास बन के आया है ओ नेगेटिव, यानी कि अब ये नेगेटिव आयन बन गया। इस दौरान जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगी है वो है -141 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अगर हमने इसी नेगेटिव आयन के अंदर एक जो नेगेटिव बन चुका है, इसमें पहले से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसमें ऐड हो, तो जब हम इसी नेगेटिव आयन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमारे पास फिर ये हो जाता है डाई नेगेटिव, यानी कि अभी दो दफा इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये बन चुका है डाई नेगेटिव। इस केस के अंदर हमारे पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वो होगी एब्जॉर्ब, ठीक है, और ये हमारे पास है 780 किलो जाउल पर मोल। अब इधर पॉजिटिव का साइन इंडिकेट करता है कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हुई है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी वो अब एब्जॉर्ब हो चुकी है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जब फर्स्ट दफा इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है किसी भी एटम में तो ज्यादातर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब हमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो एब्जॉर्ब होती है। क्यों? और ज्यादा भी एब्जॉर्ब होती है। इसकी वजह यह होती है कि जब पहले ऑक्सीजन ने, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन का एटम है, इसने पहले ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा लिया था, लेकिन अब जब हम इसके अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जब हम इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है, ठीक है, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्जन स्टार्ट कर देगा, मीन्स कि उसको हटाना शुरू करेगा। अब रिपल्जन ज्यादा होगी इस वजह से, अब इस रिपल्जन को तोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब इस वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड तो हो जाएगा लेकिन विद हाई एनर्जी, ठीक है, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब और रिलीज होती है। अब हम इसको जरा ट्रेंड देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से काम करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादातर डिपेंड करती है अपॉन द साइज ऑफ एटम, कि एटम का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात ये ऐड करती है, डिपेंड करती है अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, कि चार्ज के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। तीसरी बात ये डिपेंड करती है अपॉन द बैलेंसीज ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं, ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है डिपेंड करती है। हम कहते हैं जब एटम का साइज छोटा होता है, एटम स्मॉल होता है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू निकलती है वो लार्ज निकलती है। इस केस में छोटा है मतलब कि वैलेंसी भी कम होगी,
ठीक है ना, आउट ऑफ मोशन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी क्या होंगे, कम होंगे। अब ये सारी चीजें जो है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मीन के पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू लार्ज होती है। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं, मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो होती है इंक्रीज। इसी तरह अगर हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास लाइटर एलिमेंट होते हैं शुरू में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे पहुंचकर हैवियर होते रहते हैं। मीन्स कि जो ऊपर वाला होगा वो लाइटर होगा, नीचे वाला ऊपर वाले से जरा हैवियर होगा, सेकंड वाला, फिर इस तरह से जो है ये पूरा ग्राफ चलता रहता है। तो ग्रुप में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्रुप के अंदर हमारे पास एटम साइज बहुत ज्यादा लार्ज रहता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कमजोर पड़ जाता है, यानी ग्रिप जो है उसकी वो कम ना होने के बराबर होती है, ठीक है। इसके अलावा वैलेंसीज जो है आउटर मोस्ट शेल की वो भी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट भी ज्यादा हो जाती है। तो इसी वजह से ग्रुप के अंदर हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में ये इंक्रीज होती है, ठीक है। अब ये तो हमने बात कर लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, अब हम बात कर लेते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर की। जैसे हम इनको स्टडी कर लेते हैं कि मेटल जो है जब वो एटम लूज करते हैं, कि जब भी कोई एटम लूज करता है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो बन जाता है मेटल, ठीक है। तो इस तरह के सारे एलिमेंट जिनके एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, खासियत रखते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं मेटल। मेटल हमारे पास होते हैं गुड कंडक्टर, मींस के इलेक्ट्रिसिटी जो है और हीट जो है वो इजिली पास आउट हो जाती है। और इसके अंदर जो दूसरी मेन प्रॉपर्टी देखी गई है तमाम की तमाम मेटल्स के अंदर, वो प्रॉपर्टी ये है कि जब भी वाटर के साथ डिसॉल्व की जाती है, वाटर के साथ जब भी इनको मिलाया जाता है इन मेटल्स को, तो फिर ये हमें एज अ रिजल्ट देते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। मीन्स कि हमारे पास पूरी की पूरी क्या होती है, बेस। फॉर एग्जाम्पल हम मेटल की बात करते तो हम एक लेते हैं जी सोडियम ऑक्साइड लेते हैं और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनती है एक बेस, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास ये होती है एक तरह की बेस। तो देखा आपने किस तरह से एक मेटल जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो हमें दे रहा है बेस विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि एक बेसिक ऑक्साइड जो है हमारे पास बनकर आ जाता है, ठीक है। इस तरह हम इसके अगर ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं कि ट्रेंड में पूरी ट्रेंड में क्या होता है कि ग्रुप में जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो फिर हमारे पास जो मेटेलिक करैक्टर है, हम अभी मेटेलिक करैक्टर की बात कर रहे हैं, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हमारे पास जब हम ग्रुप में मूव करते हैं एटम का साइज बढ़ रहा होता है, एटम साइज इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि एटोमिक नंबर जो है उनका मुसलसल इंक्रीज होना एटॉमिक साइज को इंक्रीज करता है, अफेक्टिवली इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है मींस के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं मींस के वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज है जब साइज बड़ा होता है तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका जो पॉजिटिविटी होती है वो भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए हमारे पास जो ग्रुप में मेटेलिक करैक्टर है वो इंक्रीज होता है। मींस के जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जैसे हम बात कर लेते हैं जी लिथियम की, वो ज्यादा मेटेलिक नहीं होगा, लेकिन जब नीचे मूव करेंगे सोडियम की तरफ, सोडियम लिथियम से ज्यादा मेटेलिक होगा, फिर नीचे पोटेशियम सोडियम से ज्यादा मेटेलिक होगा। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम जो है हमारे पास मेटेलिक करैक्टर इन ग्रुप इंक्रीज करता है। पीरियड की जब हम बात करते हैं, पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हमारे पास मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि पीरियड में हमारे पास जो भी फैक्टर्स होते हैं वो उसके कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। मीन्स के एटॉमिक साइज क्या हो रहा होता है, वो डिक्रीज हो रहा होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं हो रहे होते, होते हैं लेकिन इफेक्टिवली इंक्रीज नहीं होते, इसकी वजह से एटॉमिक साइज जो है वो भी छोटा होता है। एटॉमिक साइज छोटा होता है इस वजह से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं इसलिए वैलेंसी भी कम होती है, और इन तमाम चीजों की वजह से यानी कि एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बड़ा हो जाता है, यानी कि ग्रिप जो है वो ज्यादा हो जाती है न्यूक्लियर चार्ज की तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर। इसलिए हम पीरियड में कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास मेटेलिक करैक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी नॉन मेटेलिक करैक्टर की, कि हमारे पास नॉन मेटल्स कौन से होते हैं। पीरियड टेबल में
हमारे पांच अननोन मेटल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट का एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक नेगेटिव आयन बन जाता है, तो वो हमारे पास कहलाता है मेटेलिक। मीन्स के वो हमारे पास जो एलिमेंट होता है वो क्या हो जाता है, मेटेलिक होता है। ठीक है, नॉन मेटेलिक होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन मेटेलिक होता है। नॉन मेटेलिक की जब बात करते तो ये बैड कंडक्टर है, मीन्स के इजिली इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है वो पास नहीं हो पाती है। ठीक है, और फिर इसकी जब हम खास प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि जब भी इसको वाटर के साथ डिजोल्व किया जाता है, मीन्स कि जो भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनको वाटर में जब डिजोल्व किया जाता है तो ये हमें देते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। जिस तरह हम बात करते हैं सल्फर की, सल्फर हमारे पास एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। ठीक है ना, तो हम इधर ले लेते जी सल्फेट ले लेते हैं जी, और हमारे पास इसको हम वाटर में क्या करवा देते हैं, डिजोल्व करवाते हैं, तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट बनता है जी H2SO4। ठीक है, सल्फेरिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या बने, एक एसिड हमारे पास एक रिजल्ट के तौर पर बनता है। ठीक है, आज हम बात करते हैं जी वैलेंसीज है, वो भी बहुत ज्यादा जो है वो कम हो जाती है, और जो न्यूक्लियर चार्ज है। अब हम बात करते हैं जी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ग्रुप में और पीरियड में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये हमारे पास डिक्रीज हो रहे होते हैं, क्योंकि इसमें जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी इफेक्टिवली इंक्रीज हो रहे होते हैं, इस वजह से इंक्रीज हो रहे होते हैं। इसके अलावा वैलेंसी भी इंक्रीज हो रही होती है, मीन्स के एटॉमिक शेल बढ़ रहे होते हैं, और जो पॉजिटिविटी होती है न्यूक्लियर चार्ज की वो कम हो रही होती है। तो इस केस में हमारे पास जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो कम हो रहा होता है। ठीक है ना, जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर में, ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला होगा वो ज्यादा मेटेलिक होगा, नीचे वाला कम मेटेलिक होगा उससे, तो इस तरह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही डिक्रीज होता है। पीरियड में जब हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम मूव करते हैं इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि इंक्रीज जब हो रहा होता है पीरियड मीन्स के एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो रहा होता है, वो भी डिक्रीज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी कम हो रहे होते हैं, वैलेंसी भी कम हो रही होती है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इस वजह से पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है ना, अब इस वजह से हमारे पास जो पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम यू मूव करते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में, यानी कि सबसे पहला मेटेलिक होगा, फिर उससे कम मेटेलिक होगा, फिर उससे कम, फिर वो पहुंचते पहुंचते आखिरकार नॉन मेटेलिक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है ट्रेंड्स में इस तरह से मूव करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक।